हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आज एक नया वीडियो के साथ। ये वीडियो है दोस्तों हैंड वॉश मेकिंग बिजनेस के बारे में, लाइक हैंड वॉश लिक्विड। दोस्तों ये बिजनेस अभी ट्रेंडिंग में है क्योंकि कोरोना वायरस के वजह से ये बिजनेस अभी ट्रेंडिंग वन में है, क्योंकि अभी इसका सप्लाई बहुत कम है, क्राइसिस हो गया मार्केट में। और इससे पहले वैसे भी हम लोग बाथरूम में, किचन में खाने से पहले, खाने के बाद हम लोग हैंड वॉश करते थे। साबुन तो पहले यूज होता था, क्योंकि अभी लोग मॉडर्न होते जा रहे, फैशन बढ़ गया आदमी का, आदमी इसको यूज़ करना फैशन मान रहा है। इसलिए दोस्तों इस बिजनेस का डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ा है अभी। इसलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, मेरा इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को लाइक और सब शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका इस लाइक और शेयर के वजह से किसी और बंदे को फ़ायदा पहुंच सकता है, कोई और बिजनेस शुरू कर सकता है, किसी को इंस्पिरेशन मिल सकता है इस वीडियो से। तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करना, और ये बिजनेस बहुत यूज करना बहुत ईजी है। ऐसे तो इसमें केमिकल बहुत सारा केमिकल लगता है, जैसे पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल, सोडियम क्लोराइड, बटर, कोको, मिडोप्रोपाइल, कोको, डाइनोलाइट और कलर, परफ्यूम, बहुत सारा केमिकल इसको मिक्स करके इसको बनाते हैं। लेकिन मैं दोस्तों मैं आपको बोलूँगा ये सब करने का कोई ज़रूरत नहीं है। कलकत्ता में कैनिंग स्ट्रीट में आपको रेडी प्रोडक्ट ऐसे बोतल में मिल जाता है, 1 किलो का बोतल है ये, इसका प्राइस है 50 रुपया। और मेरा हाथ में जो हैंड वॉश का जो बोतल है ये 200 ml का है, 200 ml नहीं है, 190 ml का है ये। किसी ब्रांडेड मैं नाम नहीं बताऊंगा, बहुत बड़े कंपनी है ब्रांडेड, जो इसका 190 ml का दाम है 82 rupees। दोस्तों मान लीजिए 200 ml है, 200 ml का दाम है 82 rupees, ठीक है। और ये है 1 किलो का दाम है 50 रुपये। आपको एक किलो से आप 200 ml का बोतल का हिसाब से आप 5 बोतल बना सकते हैं, 5 बोतल यानी 10 रुपये पर लीटर। और ऐसे खाली बोतल ऐसे लॉक के साथ आपको मिल जाएगा 7 से 8 रुपये। और दोस्तों और दोनों तरफ स्टिकर है ब्रांडिंग के लिए, आप अपना नाम से ब्रांडिंग कर सकते हैं। ये ब्रांडिंग करने में ज़्यादा खर्च नहीं होगा, एक डिजाइनर डिजाइन करने के लिए 30 से 50 रुपये लेगा डिजाइन चार्ज लोकल एरिया में, छोटा मोटा कहीं बाहर जाने का ज़रूरत नहीं। कोई भी आपका नियरेस्ट कहीं भी अगर कोई ड्रेस है तो उधर जाइए, वो लोग को बोलिए ऐसे मुझे एक डिजाइन बना दो अपना नाम से, तो लोग बना देगा। लोग डिजाइन चार्ज 30 से 80 रुपये तक पर डिजाइन चार्ज लेगा। और ऐसे प्रिंटिंग के लिए एक साइड का कॉस्ट पड़ेगा आपका, एक गार्मेंट स्टिकर है एक साइड का 1 रुपया मान के चलिए, दोनों साइड का 2 रुपया, आप मान के चलिए इस डब्बे का पड़ेगा 10 रुपया और लिक्विड का पड़ेगा 10 रुपया, यानी कि 20 रुपया, 20 रुपये में 200 ml हैंड वॉश बन जाएगा। और दोस्तों मशीनरी कुछ नहीं चाहिए इसको शुरू करने के लिए, मैं दिखा देता हूँ आपको। एक ऐसे लॉक है, इसको कैसे खुल जाता है लॉक खोलने से, ठीक है। और सिर्फ वजन 200 ग्राम वजन करने के और सिर्फ वजन करने के लिए वजन स्केल खरीदना पड़ेगा, जो जिसका प्राइस है 1000 रुपये के अंदर या 700-800 रुपये लेगा। अब इसको 200 ml का एक टप कीजिए और इसमें ऐसे ढालिए, कुछ करना नहीं पड़ेगा, रेडी मिलता है। अब इसको ढालिए, पैक कीजिए और बेचिए। ये भर गया है पूरा, ये तो मैं अंदाज में ढाला है 200 ग्राम से ज़्यादा है, सॉरी। ये लॉक हो गया, ये आपका प्रोडक्ट रेडी तैयार है मार्केट में जाने के लिए। दोस्तों अगर आप लिक्विड रेडीमेड लिक्विड खरीदते हैं तो उसका प्राइस 50 रुपये किलो है। अब अगर घर में सब केमिकल एक साथ
मिक्स करके बनाते हैं तो और भी प्राइस घट जाएगा। आपको उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कितना कंपोजिशन में क्या रखता है वो मुझे मालूम नहीं है, आपको उसके लिए ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। उसके केमिकल मिक्स करके अगर बनाते हैं तो आपको एक किलो में आपको लग जाएगा 35 से 40 रुपये खर्च होगा। उसके अंदर एक किलो आपका लिक्विड बन जाएगा और रेडी ख़रीदते हैं तो 50 रुपया पर केजी का लगेगा। दोस्तों उतना ज़रूरत नहीं, आप पहले शुरू कीजिए लिक्विड खरीद के, मार्केट देखिए समझिए, अब उसके बाद आगे बढ़िए मार्केटिंग करेगा। मार्केटिंग के लिए एक आदमी रखिए, मार्केटिंग कहाँ करेगा, आप इसको टारगेट कर सकते हैं। टारगेट कस्टमर्स कौन होगा आपका? टारगेट कस्टमर आप कर सकते हैं सुपर मार्केट, आपका नियरेस्ट जितना भी मार्केट है आपका एरिया में, रेस्टोरेंट, होटल, हॉस्पिटल और खासकर स्कूल। अभी स्कूल में मिड डे मील चलता है, स्कूल में रोज का ऐसे बहुत सारा बोतल एक दिन में यूज हो जाता है, तो अपना एरिया में, अपना लोकल एरिया में जितना भी स्कूल है स्कूल में टारगेट कीजिए, नियरेस्ट हॉस्पिटल टारगेट कीजिए। दोस्तों बिजनेस शुरू करने के लिए मैं आपको बताऊंगा, सजेस्ट करूंगा, आप ज़्यादा बड़ा नहीं, आप 50 किलो का एक डब्बा आता है, 50 किलो का डब्बा खरीदिए, 50 किलो का प्राइस आ जाएगा आपका 2500 रुपये, और 50 किलो लिक्विड बनाने के लिए आपको 200 ml का हिसाब से ऐसे बोतल आपको 250 चाहिए, यानी 50 किलो का ये होगा 2500 और ये होगा 10 रुपये का हिसाब से 2500, यानी 5000 में आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। एक बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े कोई डीलर से आप टाइप करके अपना प्रोडक्ट थोड़ा लो मार्जिन में आप बेच सकते हैं इसको। और प्रॉफिट मार्जिन दोस्तों 20 रुपये का माल आप ज़्यादा से ज़्यादा आप 40 रुपये तक ही बेचिए, उससे ज़्यादा मत बेचिए, क्योंकि आपका नया प्रोडक्ट है कोई जानता नहीं है। पहले आप इसको अपना नाम बढ़ाइए, प्रोडक्ट पर डिमांड बढ़ाइए, उसके बाद आप सोचिए आगे। और मैं मार्केटिंग का बताऊंगा, मैं मान लीजिए एक बोतल का आपका 20 रुपया, तो मान लीजिए एक बोतल का आपका प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपया, तो आप टारगेट कीजिए दिन में, आप टारगेट कीजिए आप अपना लोकल एरिया में, या 100 शॉप विजिट करने का शुरू में, या किसी को कोई सेल्समैन को लगाइए, उसको बोलिए कि जाइए 100 दुकान आपका टारगेट है, आप 100 दुकान मैनेज कीजिए, तो 20 रुपये का हिसाब से आपको 100 दुकान का आ जाएगा 2000 रुपया। दोस्तों 100 दुकान के अंदर अगर कोई 30 40 50 दुकान में अगर परमानेंट होगा तो आपका निकल जाएगा। और हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, स्कूल तो अलग से है। दोस्तों ये बिजनेस करके 5000 लगा के दोस्तों अगर आप सोच टारगेट कर लेते हैं कि मुझे इतना कमाना है, 2000-5000 डेली का कमाना है, तो आप उतना मेहनत कीजिए, बहुत आसान है, बन जाएगा। तो दोस्तों मेरा इस वीडियो को अच्छा से पूरा देखिए और अपने दोस्त को फॉरवर्ड कीजिए, खासकर उन दोस्तों को जो लोग 5000-10000 कमाने के लिए किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और जिल्लत की ज़िंदगी जी रहे हैं, खासकर वो लोग को दीजिए। उन लोग 5000-10000 कमाने के लिए लोग बाहर जाते हैं, 3-3, 4-4 महीना रह के आते हैं और सुबह 9 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ड्यूटी करते हैं। दोस्तों उन लोगों को भेजिए, उन लोग कुछ कर सके अपना,